हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अभी अब हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं। हिंदी में आपने LKG क्लास में वर्णमाला तो पढ़ा होगा। आज हम फिर से उसका रिवाइज करते हैं, हिंदी की वर्णमाला का। आपको तो अ से लेकर ज्ञ तक आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़िए। अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्षु दुर्गु री ए आई औ अं आ क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालविश मूर्धन्य ष दंश ह अक्ष त्र ज्ञ ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। अब इसमें हमको ये जानना है कि इसमें स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो स्वर हैं आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु री ए ऐ ओ औ, यानी कि स्वर कितने होगा? 11। ये हमें समझना है अब। और व्यंजन कितने हो गए? ये क से ह तक हो गए व्यंजन। उसमें कितने अक्षर आते हैं? 33। स्वर 11 और व्यंजन 33। और ये अक्ष त्र ज्ञ स्र ये चार हो गए संयुक्त व्यंजन। इसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। UKG क्लास में हम वर्णमाला से आगे मात्रा पढ़ेंगे, 12 खड़ी, उसमें मात्रा आएगी। लेकिन अभी हमको बिना मात्रा वाले शब्द बनाना है। वर्ण से हम अब शब्द बनाएंगे। दो अक्षर को जोड़ के, छोटा छोटा अक्षर जोड़ के हमें शब्द बनाना है। जैसे ये क्या हो गया? स और ब क्या हो गया? शब। र और व क्या हो गया? रब। ह और म क्या हो गया? हम। क और ब क्या हो गया? कब। ये हमें छोटा छोटा ये हुआ बिना मात्रा वाले, एक और दो, एक दो दो अक्षर वाले ये शब्द हैं। ये हमें दो अक्षर वाले शब्द अब सीखने हैं। अब आप आज ये अ से स्र तक घर पर रिवाइज कीजिएगा और छोटा छोटा दो अक्षर वाले 10 शब्द कॉपी पर अपने से जोड़ जोड़ के लिखिएगा। जैसे अ ब अब हम हम चल चल घर घर नल नल। ऐसे आपको 10 शब्द लिखने हैं। दस शब्द लिखे। दो अक्षर वाले 10 शब्द आपको लिखने हैं। और आगे अब हम कल पढ़ेंगे।